अरे भागो जल्दी, भागो भागो, सीट मुझे भी ले ली भाई, भागो जल्दी जल्दी। ओ भाई साहब, और ओ भाई साहब, क्या क्या मचा हुआ इस ट्रेन के अंदर, इतनी भगदड़ मची हुई है। ओहे देखो भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई एकदम से, आंटी जी परेशान हो गई, लग रहा आदमी खो गया इनका कोई। ये देखो भाग के जा रहा है, ये देखो देखो लफड़ा हो गया बहुत तगड़ा। अरे तुम मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो अपनी सीट ले रहा हूँ ना फिर। अरे भैया बस यार तुम तो सीट चाहिए ना, सीट ले लिया यार। वो कह रही बीच बीच में भाई उंगली कर रही है यार, प्रोग्राम तुमको कोई कहेगा दारू सिगरेट भी पी रहे हो, दारू पी रहे हो। एक आदमी दो बार दारू पिया हूं। अरे इसी करा का पैसा इसको, कैसे तुम चढ़ गया किस तरह, तुमने कहां रखा? अरे कहां रखे, अब क्या गया तुमको? क्या बोल रही, लड़ाई मत करो, लड़ाई बड़ाई बंद करो। May I have your attention, please? भाई फिलहाल आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली ट्रेन नंबर 12368 विक्रमशिला एक्सप्रेस में, जो कि दिल्ली के आनंद विहार से चलती है, हर दिन बिहार के भागलपुर तक जाती है। और इस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ होती है कि भाई लोग बाग धक्का मुक्की एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं एक सीट के लिए। भाई आनंद विहार से भागलपुर तक ये अपना सफर तय करती है 21 घंटे 45 मिनट में अपने 1205 किलोमीटर की जर्नी में 21 स्टॉप के साथ। अगर आप आनंद विहार आते हो तो हमेशा भाई अटल रहना, यहाँ पर जो ऑटो चलाने वाले जो बंदे होते हैं ना, ये ऑटो दिख रहे हैं आपको, ये सब भाई इनसे भी बचकर रहना, इनकी भी बहुत सेटिंगें होती हैं। बंदे के जो पैसे हैं ना, आपकी जेब के पैसे कब इनकी जेब में चले जाएंगे भाई पता भी नहीं चलेगा। और जो सूंघने वाले होते हैं ना, ऐसे करके सूंघने वाले कपड़ा लेकर हाथ में सूंघते हैं, उनसे भी बच के रहना, कहीं वो आपके पीछे ना लग जाए। बाकी अपने जो ट्रेन का डिपार्चर है भाई, वो होता है दोपहर में 1:15 पर चलती है। और आप जो कोशिश करें यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे पहले आ जाए अगर आप जर्नल में सफ़र करते हो तो, क्योंकि यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगती है अपनी विक्रमशिला एक्सप्रेस के लिए। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहाँ पर हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है आएगी। और भाई प्लेटफॉर्म में अंदर जाने की जो लाइन है वो देखो कितनी लंबी है, वहाँ से पूरी लाइन यूँ आ गई, यूँ यूँ करके पूरी। और भाई जब जाके अंदर जाना पड़ेगा, मतलब कि आधा घंटा यानी 30 मिनट जो है भाई लाइन लगाने में ही लग जाएगा समथिंग अंदर जाने के लिए। मतलब अंदर जाने के लिए लगता है एक ही गेट है और भाई उसी में इतने सारे लोग जो हैं जा रहे हैं। तो चलिए हम भी लाइन लगाते हैं, नहीं तो आधा घंटे से ज़्यादा हमारा टाइम यहीं खर्च हो जाएगा। और भाई लाइन देखो कितनी लंबी है, इतनी लंबी लाइन है कि मुझे ही भाई करीबन 20 मिनट हुआ लाइन में लगते लगते, भाई परेशान हो गया कि समझ लो गर्मी के मारे और इतनी भीड़ के मारे। सफ़र तय करने से पहले भाई पानी पी लें, एक रेल नीर, आप अगर पानी पीते हो कभी भी ट्रेन के अंदर तो कोशिश करें रेल नीर ही लें, जो कि ठंडी लोगे या नॉर्मल 15 रुपये ही देने आपको, नहीं तो 30 रुपये दो बोतल ले लो, 20 रुपये की नहीं लेनी आपको। बहुत गर्मी है भाई, 1-2 सारे टीटी खड़े हैं, जो लोग नीचे से आ रहे हैं उनको पकड़ के चलान काट रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 12:10, अभी ट्रेन चलने में 1:05 है। और यह है इसका जनरल क्लास, जो कि एक डिब्बा बिल्कुल पीछे लगा है। और भीड़ देखो कितनी हो रही है इसके अंदर, हट ना भैया, ये देखो भाई कितनी ख़तरनाक भीड़ हो रही है इसके अंदर, बिल्कुल पैकम पैक हो गई है आनंद विहार से। इसका हाल ये हो गया भाई अभी तो, जबकि आगे चल के भाई पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा इस ट्रेन के अंदर, पर फिर भी समय से पहले ट्रेन लगा दी गई और समय से पहले ही भाई पूरी एकदम भर गई है ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस। फिलहाल ये है अपना कोच S3, जिसमें अपनी जो सीट है वो वाली जिसमें भाई और बच्चे बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, 4 महीने से धक्के खाने के बाद भी भाई RAC मिली है, पर कोई बात नहीं, RAC लेने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है साइड लोअर मिल जाएगी, आप नज़ारे ले सकते हो। अगर कहीं आपने मिडल बर्थ ले ली कन्फर्म में तो भाई और परेशानी होगी, मिडल बर्थ रात को खुलेगी और ये कानपुर तक नॉन स्टॉप चलती है। तो इससे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, कोशिश करें कि साइड लोअर ले लें, नहीं तो भाई RAC लें, RAC में आपको साइड लोअर आराम से मिल जाएगी। बाकी ये भाई जो हैं हमारी वीडियो देखते हो ना भाई, वीडियो बहुत अच्छी लगती है वीडियो, भाई ऐसे अपने जानकार भी भाई मिलते रहते हैं। और यहाँ से ट्रेन का चलने का 1:15 का टाइम है। तो भाई यहाँ पर लिखा है शीतल जल ठंडा पानी, और भाई यकीन मानना भाई पानी कैसा, सच में ठंडा गर्म है, सच बताना झूठ मत बोलना, ठंडा है, ठंडा अंकल पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी, हाँ बिल्कुल ठंडा पानी आ रहा भाई, जैसा नाम है वैसा इसका काम है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी, ठंडा है ना भैया पानी। भाई मैंने और स्टेशन पर देखा लिखा होता है शीतल जल, पर भाई ठंडा पानी बहुत कम देखने को मिलता है, पर यहाँ पर आनंद विहार में आपको गर्मी के अंदर भाई बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी भी
मिल जाएगा पीने को भाई। देखो बिहार कभी भी लोग जाते हैं ना तो सर पे बोरा, हाथ में नीला रंग का डब्बा जो कि वो भाई लेके जा रहे हैं, वो डब्बा और बोरा लेकर भाई लोग बहुत चढ़ते हैं। देखो बोरा लेके बंदा जो है अंदर घुस ही गया, पता नहीं क्या होता है इन बोरों में और डब्बे के अंदर, इतनी भीड़ में बंदा चले गया अंदर, बहुत बड़ी बात है भाई। देखो भाई क्या हो गया, पता नहीं क्या बात हो गई, एकदम से आंटी जी परेशान हो गई, लग रहा आदमी खो गया इनका कोई। ये देखो आदमी खो गया कोई इनका, बैग और आदमी खो गया कोई इनका, देखो भाग के जा रहा है। ये देखो देखो लफड़ा हो गया बहुत तगड़ा। तो फिलहाल टाइम देख लो 1:16 हो गए भागलपुर के लिए, हम निकल चुके हैं। अरे भाई चलो अंदर, अरे क्या हो रहा भाई, भागा दौड़ी मची हुई है ओ तेरी। अरे भाई चलो अंदर, चलो चलो चलो। तो भाई निकल चुके हैं निर्धारित समय से भागलपुर की ओर और भाई मैं आपको बता दूं उस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ है ना कि मेरी जो सीट है उस पर भी लोग वहाँ बैठ गए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे। प्यार से बात करेंगे नहीं तो भाई कंप्लेंट करेंगे, जब जाकर हटाएंगे। बाकी यह है इसका आनंद बिहार से डिपार्चर। ये देख लो सब ठंडा पानी पी रहे हैं, बिल्कुल चिल्ड पानी, परेशान होगा गर्मी में सारे। भाई फिलहाल आनंद बिहार से हम जो है निकल चुके हैं और मैं दिखाता हूँ अपनी स्लीपर क्लास के अंदर आनंद बिहार से कितनी भीड़ होगी। आगे के स्टॉप में तो पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है। एक बार हटना भैया, ये देखो भाई कितने लोग यहीं से बैठ गए, सारे के सारे बैठे पड़े हैं अभी से ही। बाकी ये गैलरी है वहाँ पर भी लोग खड़े हैं और यहाँ पर भी भाई बंदे अभी से बैठ गए, जगह गिर ली ताकि आगे बंदे ना बैठे। और आगे वाले कोच में तो लोग वक्त पेटी पैक हो गए, इतना खड़े हो गए। बाकी चलते हैं एक बार अंदर दिखाते हैं। ये देखो भाई ये है स्लीपर, कहाँ कहाँ लदे पड़े हैं लोग वहाँ, एकदम भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। गेट पे हाल ये है और अंदर का हाल ये है। आनंद बिहार से भागलपुर यानी बिहार जाने वाले लोग जो है भाई बहुत ज़्यादा ही होते हैं। आगे अपनी सीट लेते हैं भाई जो आरएसी है। क्या बात हो है, उनका एक सीट है और सारा सामान वही भर रखा है, हम कहाँ रखे हैं? नहीं रखने का ठाक है आपका जी। और उल्टा पुल्टा बोल रही है, बताइए गलत ना, हम आपको निकाल रहे हैं सीट ना, हम आपका सामान फेंक रहे हैं। आपकी अपनी सीट के नीचे आप अपना सामान रखे ना। मेरा इधर 2 सीट है, आपका 1 सीट है, आप पूरी सीट को कवर कर रखे हो, हम एडजस्ट कर रहे हैं। आपका अगर सामान निकाल के फेंके तो बात अलग गलत है भाई, सब चलना है कि उल्टा पुल्टा। अरे मारा पीटी मत करो भाई, तो मुंह तोड़ देंगे मार के, हम लोग किसी से डरते नहीं है। अगर की कोई गाली मारे बाउंसर भाई बैठ दो, ठीक है बैठ दो। रख दिया यार पैर, नुकसान हो गया 3-4 प्लेट का यार, रख दिया नुकसान हो गया। नहीं दिख रहा था क्या यार, रखोगे बता के तो रखोगी, ये जगह बता के नहीं गए, ये जगह रखने का बाहर है यार, ये जगह रखने का थोड़ी है यार। बड़े लफड़े हो रहे हैं भाई, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार, गंदा हो गया, आपकी नुकसान नुकसान हो गया। ये पैसा कौन भरेगा बता के तो रखोगे, बता के नहीं रखे एक दिया भाई, बेचारे पैंतीस वालों के खाने पे पैर नुकसान हो गया यार, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट का नुकसान हो गया भाई। पूरा गाड़ी रास्ते है तो कहाँ रखेगा, तुम्हारे कैसे नहीं रखेगा, कितना नुकसान हो रहा है वहाँ पर जाएंगे। अब चलिए नुकसान ज्यादा हो गया, जो होगा थोड़े आपको बोल रहे आगे रख दिया, आदमी गाड़ी पर रखेगा कि तुम कहीं जगह पर रखेगा, अब वहाँ रास्ता है जगह वहाँ रख दिया, कहाँ रख देगा, चलना चलो 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 यार खत्म करो जो भी है निपटा लो, आगे चलो
आगे शोर की बात कर रहे हैं, शोर बोल रहे हैं। चलो जो भी बर्थ हो यार, नुकसान हो गया, कहते ना होगी गलती, तुम भी जाओ यार साथ में, बंदे को अकेला बंदे जो जाओ जाओ भाई। फिलहाल कहानी ये थी, वो बंदे ने पैंट्री वाले ने खाना रख दिया बीच में, और उसके बाद जो बंदा निकल के जा रहा था चश्मा पहन के, उसने भाई देखा भी नहीं और उसने गलती से रख दिया पैर, करीबन 7-8 प्लेट जो है उसकी जो ख़राब हो गई चिकन बिरयानी की। दिखाया भाई मैंने, दिखाया, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं। हाँ, उसके बाद भाई क्या हुआ, वो बंदा कह रहा है भाई पैसे दे दो, वो कह रहा है मेरे से गलती हो गई। और पैंतरी वाले ने क्या करा, 4-5 प्लेट जो होंगी तो उसको बता रहा भाई मेरी 9-10 प्लेट हो गई, अगर 9-10 प्लेट होंगी तो बता रहा भाई मेरी 12-13 प्लेट होगी, वो भी एक्स्ट्रा बता रहा ताकि बंदे से पैसे मिल जाए। पर दरअसल में क्या है, उस बंदे से भी गलती हो गई और वेंडर ने भाई बीच में रखा ही क्यों, जब रखा था तो उसको बोलना चाहिए था भाई यहाँ पे सामान रखा है। तो ये जो है भाई मिस्टेक दोनों से हो गई, तो उसका सोल्यूशन वैसे निकलना चाहिए, पर उसको भाई ज़बरदस्ती ले गए वहाँ पर, और जो बंदा वहाँ पर गया उसके साथ ये पिक्चर है कि भाई उसने जो है ड्रिंक भी कर रखी है और प्लस स्मोकिंग कर रहा था, तो वो दोनों में और फंस जाएगा। बाकी वहाँ से आ रही है हमारी वेब 7 के साथ, कौन सी ट्रेन आ रही है गोमती एक्सप्रेस, गेट तो खोलना पड़ेगा भाई, गेट क्यों बंद करोगे, हट जा यार, गेट बंद करने अलाउड नहीं है भाई ट्रेन में, गेट खोलो गेट, है तो गेट तो लोग तो उतरेंगे यार गेट पे से, फिर वो जगह है कि अंदर बीच में बैठ जाओ ना वहाँ पे, चलो 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 गेट खोलो, हट जाओ गेट में से, लग जाएगी यार, बताओ गेट बंद करके बैठ गए और गेट खोलना चाह नहीं रहे, इतनी मुश्किल से भाई गेट खुलवाया, टुंडला पर गाड़ी रुकी है कि भाई पानी भर लें, बाकी ये देख लो सब पानी भर रहे हैं टुंडला पे, और अपनी ट्रेन पता नहीं क्यों रुक गई। ओ जल्दी जल्दी भरो, जल्दी जल्दी जल्दी, डरो मत डरो मत, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी भरा, बिल्कुल ठंडा, ये समझ लो मज़ा आ जाएगा, अगर ऐसे ठंडा पानी हमें रेलवे स्टेशन पर मिलते रहे भागलपुर में तो मज़ा आ जाएगा। बाकी यार ये गेट बंद करना ना मेरे हिसाब से अलाउड नहीं है, इतनी भरी हुई ट्रेनों में गेट बंद करना, लोग नीचे आते हैं गेट बंद कर लेते हैं फिर लोग रह जाते हैं, ऐसी एक फरक्का एक्सप्रेस में हुआ था, पुलिस वाला नीचे रह गया, वो तो भाग भाग के दूसरी कोच में चढ़ा, पर वो जब जैसे चढ़ा ना वैसे उसने जिसने गेट बंद कर रखा था ना उसने उसको बहुत मारा कि तूने गेट बंद करा क्यों, तो भाई गेट बंद करना अलाउड नहीं है, वैसे गलत है ये बात। बिहार 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 बिहार, ये काम बढ़िया कर दिया, 25 लीटर की कैन भर के ले आए, पानी की समस्या ही खत्म है, खत्म कितना खत्म हो गया भाई, ये सही है हिसाब किताब, 4 घंटे में कैन से पानी भर भर के खत्म हो गया, ठंडा भी है ना, बहुत सही करा भाई। चल भाई विक्रम शिला, चलो भाई उतरो, गेट वाले ज्यादा, गेट वाले ज्यादा समझदार हैं, अरे चल भाई भागलपुर भागलपुर, ये खड़ी का मारे हुई है वो,
चला 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 पटना पटना। 428 किलोमीटर की जर्नी तय करने के बाद अपनी ट्रेन के पहले स्टॉप जी हाँ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आ गए। वैसे तो मैं आपको बता दूं इंडिया में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उसमें से तीसरे नंबर पर जो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आता है भाई वो सबसे ज़्यादा बिजी रहने के मामले में आता है। 5 सेंट्रल रेलवे में आपको बता दूँ, पहला है आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, दूसरा है आपका तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि आपको पड़ता है केरला में, तीसरा है आपका कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि आपको पड़ता है यूपी में, और चौथा है आपका चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि आपको पड़ता है तमिलनाडु में, और पांचवा है आपका मैंगलोरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो कि आपको पड़ता है कर्नाटका में। और भाई आपको बता दूं कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है भाई 28। स्टेशन ओपन हुआ था 1930 में और इसको इलेक्ट्रीफाई कर दिया था 5 अगस्त 1972 में, यानी 1972 में। और मैं आपको बता दूं यहां पर अपनी जो ट्रेन का टाइम था भाई था 6:30 का था और 8:01 है भाई, इतनी हमारी जो ट्रेन है वो लेट हो गई। और यहाँ से अपनी ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड भी चेंज हो जाएंगे जो कि आपके जाएंगे मुगल सराय तक यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक। इस ट्रेन के जो लोग हैं वो पानी भरने, देखो पटरी पार करके उस तरफ जा रहे हैं भाई, इतनी बड़ी बात है, पूरे ट्रैक पार करके उस तरफ पानी भरने जा रहे हैं जबकि यहाँ पर कोई पानी का इंतजाम नहीं है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार कूद रहे हैं और उस तरफ पानी भरने जा रहे हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। देखो लोग कूद रहे हैं, कूदे और देखना वहीं पर जाके पानी भरेंगे, और वो लोग जो आ रहे हैं वो देखना यहीं से आएंगे, और देखो वो आए वहाँ से लोग, ये जो दो बंदे आ रहे हैं ये डायरेक्ट इस ट्रेन में ही जाएंगे, वो आ गए, अब ये बंदा यहाँ से चढ़ेगा, ये देखो पानी भरने की इतनी समस्या है कि बंदे पटरियाँ पार कर करके जा रहे हैं पानी के लिए, और ये भाई थर्मस ले के घूम रहे हैं, मतलब कि कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में पीछे की तरफ पानी का भाई कोई इंतज़ाम नहीं है। वैसे ज़्यादातर भाई इंतज़ाम होना चाहिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है क्योंकि लोगों को इतनी दिक्कत जो हो रही है ना ये शायद ना होती अगर पानी का इंतज़ाम यहाँ पर होता तो। ट्रेन का सिग्नल हो गया 8:02 पर और उधर देखो कितनी भगदड़ मच गई, देख लो कहाँ घुसेंगे लोग इतने सारे, अरे यहाँ आ जाओ यहाँ पे आ जाओ यहाँ आ जाओ, ओए होए 20 रुपये कितना चाहिए, चल 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 चलो 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 भाग के घुसो 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 पटना 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 बिहार पटना, अरे गिर गया साला गिर गया, क्या गिर गया ढक्कन गिर गया, पटना बिहार पटना बिहार पटना बिहार चलन बिहार चलन बिहार। भाई बेचने वाला बंदा देखो लगा पड़ा है, हो गया भाई हमारा डिपार्चर कानपुर से, ओके मेरे भाई इधर बंद है भाई गेट फुल, बिल्कुल गाड़ी हो गई है, चलो 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 आराम से, हम पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन जी हाँ मुगल सराय, इसको पहले मुगल सराय बोलते थे और यहाँ की सरकार ने इसका नामकरण कर दिया, अब इसको बोलते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और आपको मैं बता दूँ प्यार से इसको DDU भी बोलते हैं। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और यहाँ से इसके लोको पायलट और ड्राइवर भी चेंज हो जाएंगे और गार्ड भी चेंज हो जाएगा। बाकी इस रेलवे स्टेशन पर 10 प्लेटफॉर्म है और ट्रैक है भाई 28। और मैं आपको बता दूँ भाई मैं RAC सीट है अच्छा वाला सो रहा था, एकदम से DDU आ गया तो भाई मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूं, और भाई अब मैं मिलूंगा आपको मॉर्निंग में, मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद, काफ़ी थक गया हूं भाई सच बता रहा हूं, और आप यकीन नहीं मानोगे देखो नंगे पैर आए हूं बिल्कुल नंगे पैर, देख रहे हो चप्पल का भाई पता नहीं कहाँ है, कोई सो रहा था उसको डिस्टर्ब कर रहा कि भाई हट जा मुझे अपनी चप्पल निकालनी है ये वो, तो इसलिए भाई अब मिलते हैं आपको सुबह, यहाँ पर हमारी आँख खुलती है
तब तक के लिए गुड नाइट। भाई वेरी गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। और भाई मैं आपको बता दूं, अपनी जो ट्रेन है इसका जो टाइम था पटना आने का, अभी देख रहे हो 5:31 हो रहे हैं, और पटना आने का जो टाइम था वो था 2:30। और आप उसी से अंदाज़ा लगा लो जो ट्रेन है लगभग 3.5 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो गई है भाई। अब ये समझ लो अगर मैं भागलपुर जाऊँगा तो अराउंड शाम को 4:30-5 पहुँच जाऊँगा, पर मेरा यहाँ से रिजर्वेशन है मगध एक्सप्रेस में। अगर मैं पूरी ट्रेन की जर्नी करूँगा तो भाई मुझे ये ट्रेन जो है छोड़नी पड़ेगी, फिर मुझे धक्के खाकर दिल्ली जाना पड़ेगा, तो भाई ऐसा काम नहीं करना। इसलिए भाई मैं अपनी जो ट्रेन से पटना उतर गया और भाई यहाँ से अपनी जो ट्रेन है मगध एक्सप्रेस में सफ़र करूँगा। तो ये वीडियो जो है पटना तक थी, तो मिलते हैं भाई अगली ट्रेन जर्नी में। और हाँ, अगर आप इस ट्रेन से कभी भी आते हो तो कोशिश करें कि भाई अपनी जो टिकट है बिल्कुल कंफर्म लेकर ही चलें। अगर आप कंफर्म टिकट लेकर नहीं चलोगे ना तो भाई धक्का मुक्की लड़ाइयाँ बड़ाइयाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगी, तो भाई वो काम ना करना, कंफर्म टिकट लेकर ही चलना। और हाँ, कोशिश करना, ये दिन में चलती है 1:15 पर, तो भाई अपने घर से आप खाना पीना प्रॉपर बनाकर आएँ सुबह का, कि भाई मैं सुबह भी खा लूँ दिन में और शाम को भी खा लूँ, क्योंकि भाई ट्रेन का खाना जो है बिल्कुल बेकार होता है। तो आपको ये ऑप्शन बहुत अच्छा मिल रहा है कि इसमें आप खाना पीना भी आराम से खा सकते हो। तो मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो और मेरे साथ घर बैठे एक सफ़र तय करते रहो। हाँ, स्वच्छ रेल स्वच्छ अभियान में सभी का साथ दीजिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, राहुल बाबा की मस्ती के नाम से, मैं सभी की रिप्लाई करता हूँ। और मेरे साथ अगर आप ट्रेन जर्नी करना चाहते हो तो भाई मुझे एक अपने घर के आसपास की लोकेशन बता दो कि भैया हम यहाँ पर रहते हैं, आप यहाँ पर आ जाओ, हम आपके साथ इस ट्रेन में सफ़र करना चाहते हो, तो भाई मैं उस ट्रेन में सफ़र करूँगा आपके साथ। ठीक है, टाटा एंड बाय, मिलते हैं अगली ट्रेन जर्नी में, तब तक गुड टाइम।